नमस्कार, बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आरजेडी के तमाम चाहने वाले बड़े लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी को लेकर के जिया तारापुर और साथ ही साथ तारकेश्वर धाम में साफ तौर पे दोनों विधानसभा में एक बड़े पैमाने पर आरजेडी के चहेते दिखाई दे रहे हैं और आरजेडी की यहां से जीत हो सकती है। क्या कुछ बड़ी खबर है विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में अपनी सरकार बनाए तो वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलें। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव काफी करीब है। चुनाव को करीब देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी रणनीतियों को और दावों को शुरुआत कर दिया है, जिस दावों को खेलने के बाद में अब अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं और 400 सीटों को पार दावे को मजबूत कर रहे हैं। बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव को लेकर के बेहद बड़ी खबर। लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव बिहार वापस आ रहे हैं, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के बिहार आने से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो ऐसे दावे करती है कि लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं भी आ सकते। क्या कुछ बड़ी खबर है विस्तार से 5 मिनट के अंदर। नीतीश कुमार अब जेडीयू को जीत दिलाने के लिए या तारापुर विधानसभा में किस मुंह से जाएंगे, और यह हम नहीं कह रहे, यह तेजस्वी यादव ने कहा है। बोले कि कोरोना के दौर में दोनों विधायकों की मौत हुई, वो किस मुंह से आएंगे? क्या ये कहेंगे कि हम आपके विधायकों को नहीं बचा पाए? बड़ी खबर 5 मिनट के अंदर विस्तार से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की, दरअसल आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। तैयारियों को जबरदस्त तरीके से शुरू किए जाने को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त बिहार के पंचायत चुनाव को पारदर्शी करने की तैयारी शुरू। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लगातार हो रही बारिश को लेकर के एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। केरल में भारी बारिश के बाद में रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया और साथ ही साथ लोगों को सतर्क किया गया घरों से बाहर निकलने से पहले। इस बात की जानकारी जरूर रख ले कि मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलॉटमेंट है। बड़ी खबर, ललन कुमार सिंह ने अब जहां जेडीयू को जिताने के लिए आज तेजस्वी यादव के आमने सामने आ गए। आज तेजस्वी यादव तारापुर में जहां लोगों के बीच अपने भाषण संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो उसी दौरान जहां ललन कुमार सिंह भी तारकेश्वर, आपको बता दें कि तारकेश्वर धाम और साथ ही साथ तारापुर में वो नजर आते हुए सामने आए। बिहार में छठ पूजा की तैयारी जबरदस्त तरीकों से शुरू कर दी गई है और छठ पूजा को लेकर के बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि छठ पूजा जिस तरीके से कराया जाता है, अब उस बार कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों के साथ छठ पूजा को लेकर के मंजूरी दी गई है। क्या कुछ कहा गया है विस्तार से 5 मिनट में। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर आपको बता दें कि मायावती की हथनी क्या इस बार झूमेगी, इसको लेकर के चर्चाएं तो चली रही है, लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है किस तरीके से इस बार जय मायावती जीत हासिल करेंगी, इसको लेकर बड़ी खबर विस्तार से महज 5 मिनट के अंदर। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 24 अक्टूबर को होने जा रहा है मैच। इस मैच को लेकर के लोगों में रोमांच देखने को नजर आया और लोग इस मैच को देखने के लिए काफी इंतजार में नजर आए। कोयले की खदान को लेकर के बेहद बड़ी खबर है। कोयले की कमी के कारण बिजली की कटने की समस्या सामने आ सकती थी, लेकिन अब सरकार ने इस बात से इनकार किया, कहा कि बिजली की समस्या नहीं होगी और इसको लेकर के जिन लोगों को बताया गया कि कोयले की कोई कमी नहीं और बिजली पावर प्लांट चलाने के लिए कोयले की कमी नहीं हो सकती। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गया, आम जनों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ गई। सरकार से जनता की अपील, सरकार पेट्रोल और डीजल की महंगाई कम करे, कस्टम ड्यूटी कम करे, अन्यथा चुनावों के अंदर अपनी खमियाजे भुगतने के लिए रहे तैयार। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमत फिर से बढ़ गई है, जिसके साथ लोगों ने सरकार से अपील करना शुरू कर दिया। सभी खबरों को एक एक विस्तार से बताएंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।
दीजिएगा। फ्यूचर यानी भविष्य में बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर अब तारापुर के अंदर 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार उपचुनाव के अंदर हमारी जीत होगी। जी हाँ, वो आरजेडी हो या जेडीयू हो, अपनी संपूर्ण ताकत के साथ उपचुनाव के अंदर दोनों पार्टियां उतर चुकी हैं और यही मतलब है, यही कारण है कि उपचुनाव में अगर 2 सीटों पर आरजेडी जीत दर्ज कर लेती है तो वो वैसी और जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी के मदद से बड़े आसानी के साथ जहां आरजेडी वहां पर अपनी सरकार बिहार में बना लेगी और इस बात को जेडीयू को अच्छे से पता है, इसीलिए जेडीयू भी अपनी संपूर्ण ताकत को वहां पर झोंक रहा है। आरजेडी इस विधायक के आपको क्षेत्र में तारापुर में 3 दिवसीय दौरे पर है और 3 दिवसीय दौरे पर वो रात और दिन एक करके लोगों और जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। उनका द्वारा कहा जा रहा है कि आप हमारी सरकार बना के देखिए, हम विकास आपको करके देंगे। तो अब कितना विकास की नलियां बहेंगी गलियों में ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आरजेडी को एक मौका मिलना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूले। तो यशवी यादव ने युवा चेहरा होते हुए जिस तरीके से 2020 के अंदर ताकत झोंका और 2020 के अंदर अपनी पूरी ताकत के साथ जो आपको दम भरते हुए उन्होंने चुनाव के अंदर नंबर 1 पार्टी आरजेडी को बनाया, कुछ इसी रणनीतियों के तहत इस बार भी अपने पूरे ताकत के साथ तारापुर और साथ ही साथ तारकेश्वर धाम के सीटों पर चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं और यही एक मुख्य कारण है कि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से इस चुनाव को भूलना नहीं चाहते और यह चुनाव में वो अपनी जीत हर हालत में दर्ज करना चाहते हैं। अगर आरजेडी के यहाँ पर जीत होती है तो वह सरकार बनाने के एक कदम और आगे बढ़ जाएगी और सरकार बनाने के एक कदम और आगे बढ़ने के साथ बड़े ही आसानी के साथ सरकार बना लेगी, जिसको देखते हुए पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। आरजेडी के खेमों में पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। तो आज बढ़ते हैं अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा जब से राज्य निर्वाचन विभाग ने किया है, राज्य निर्वाचन विभाग ने कहा है कि अब पूरी तरीके से वो इस चुनाव को लेकर के एक्टिव हैं, अपनी तैयारियां कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब इस तैयारियों को लेकर के जी हाँ, अब तमाम पार्टियां भी सामने आ रही है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव अब तैयार कर दिया गया, चुनाव को करने की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद में चुनाव की शुरुआत किए जाने के बाद में अब वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, या सभी पार्टियां अपने संपूर्ण ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने के लिए मैदान में कूद चुकी हैं और यही एक मुख्य कारण है कि चुनाव के मैदान में कूदने के बाद में वो चाहते हैं कि वो इस बार सब कुछ बिना भूले, बिना कुछ सोचे समझे इस चुनाव को जीते। समाजवादी पार्टी 400 सीटों के पार दावे को कर चुकी है, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटर्स को साथ लाकर इस बार नए आंकड़े को साथ लाना चाहती है। बात करें और अनेक पार्टियों की, तो अभी पार्टियां अपनी तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो बीजेपी हो यानी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां अपने नए आंकड़े नए अनुमान के साथ जीत दर्ज करने के लिए मैदान में कूद चुकी है। लेकिन यह बात आप भी जान लीजिए कि एक बार जिस तरीके से अगर जीत हो जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बार अगर हार होती है और समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो अखिलेश यादव काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव को लेकर बेहद बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज करने के लिए पूरे ताकत वो झोंक चुके हैं और मायावती भी अपनी ताकत को झोंक चुकी हैं। बिहार में मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि आप सतर्क हो जाएं और यही एक मुख्य कारण है कि सतर्क होने के लिए लोगों को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जिस तरीके से जी आपको बता दें कि उत्तराखंड में और साथ ही साथ केरल के अंदर भारी बारिश हुई, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई और बिहार में भी लोगों को मौसम विभाग ने चेताया। बिहार के कई हिस्से जैसे कि
सिवान, गोपालगंज, छपरा, मधुबनी, पटना, गया, बनारस, आपको बता दें कि कई हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और इसी बारिश को लेकर के लोगों ने मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि जब भी बारिश थोड़ी बहुत हो तो आप अपने घरों के वाईफाई नेटवर्क ऑफ कर दें, मोबाइल की डाटा इंटरनेट को ऑफ कर दें, ऐसे बिजली गिरने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। अन्यथा आपको बता दें कि आसमानी बिजली गिरने के कारण देश में अभी तक कई लोगों की जानें जा चुकी है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को जागरूकताएं और जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आपको भी हमारा फर्ज है कि हम आपको जागरूक करें, और इस फर्ज के नाते आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी आसमानी बारिश हो तो उस वक्त अपने मोबाइल की इंटरनेट को ऑफ कर दें, किसी भी व्यक्ति से कॉल पर बात ना करें, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए आप जरूर इन सभी चीज़ों से सतर्क रहें। बढ़ते हैं अगली बड़ी और मुख्य समाचार की ओर। ललन सिंह ने साफ तौर पे आरजेडी को नसीहत दे दी और कहा है कि उपचुनाव में जीत दर्ज करने का सपना ना ही देखे तो ज्यादा बेहतर, उपचुनाव में उनकी जीत नहीं होगी। लेकिन आज तेजस्वी यादव के समर्थन में जहां आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जनता दिखाई दी, वहीं ललन सिंह के साथ भी आज हजारों की संख्या में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता दिखाई दी। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता का काफिला नजर आया, एक तरफ ललन सिंह थे तो दूसरी तरफ जी आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव थे। दोनों नेताओं का आमना सामना आज तारापुर में हो गया, लेकिन तारापुर में आमना सामना होने के बाद में एक बार फिर से सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि क्या उपचुनाव के अंदर आरजेडी की जीत होगी। यह बड़ा सवाल है और आरजेडी इस जीत के लिए पूरी बेकरार है, क्योंकि आरजेडी समझती है कि अगर यह जीत हमने नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और यही रीजन और यही कारण है कि वो चुनाव में जीतने के लिए पूरे दमखम और प्रयास को जारी रख रहे हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर एक बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि उपचुनाव में आप तेजस्वी के हाथों को मजबूत कीजिए, तेजस्वी को जिताइए। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा ये हो रहा है कि उपचुनाव में क्या स्टार प्रचारकों में नंबर वन लिस्ट पर नाम होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आएंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों पर कुंभ विराम कई प्रकार से लगे हैं। राबड़ी देवी ने आई बिहार में तो उन्होंने कहा था कि जब तक लालू प्रसाद को एनओसी डॉक्टरों के द्वारा नहीं मिलती तब तक वो बिहार नहीं आ सकते, और स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण बिहार वो नहीं आ रहे। लेकिन वहीं निशा भारती ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पिता के लिए बिहार की जनता बिकरार है और हमें उम्मीद है कि पिता जल्द आएंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार के पंचायत चुनावों को लगातार प्रदर्शित किया जा रहा है और सुरक्षा के चार चौबंद व्यवस्थाएं भी की जा रही है। चौथे, पांचवें, छठे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। आचार संहिता लागू कर वाहनों की जांच, शराबबंदी के अंदर शराब पकड़े जाने पर लोगों को जेल, और साथ ही साथ ज़्यादा नकद कैश ले जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर भी केस दर्ज किया जा रहा है। तो अगर आप भी इस बार चुनाव के अंदर इस बार मैदान में कूद चुके हैं तो आप यह जान लीजिए कि इस बार का चुनाव काफी अलग, यूनिक और पारदर्शी होने वाला है, जिसमें किसी भी प्रत्याशी को शक या संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होगी, शक संदेह नहीं होगा। यह बेहद बड़ी खबर है। आज इतना ही, भविष्य में नए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार से बोली भारत माता की जय।